नमस्कार बच्चों, मैं हूं हरी सर और एक बार फिर मैं आप सभी बच्चों का चलो कदम बढ़ाई चैनल पर स्वागत करता हूं। बच्चों, हम कर रहे हैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ दिल्ली स्पोर्ट मटेरियल और क्लास 10th का मैथमेटिक्स का है। बच्चों, इसको कराने का एक ही पर्पज है कि जो आपके बोर्ड के एग्जाम होने वाले हैं उसमें ये काफ़ी आपकी हेल्प करेगा, सपोर्ट करेगा। तो प्लीज़ इसमें से देख कर सीखें और दूसरों को ज़रूर सिखाएं, ठीक है। मैंने इसमें से सभी क्वेश्चन नहीं लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने पिक किए हैं ताकि वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हों। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए, मैंने पहले से लिख के रखा हुआ है, ये देखिए यहाँ पर, ए टू डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 18 व्हेन 63 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर द डिजिट इंटरचेंजिंग देयर प्लेसेज, फाइंड द नंबर। ठीक है, यहाँ पर ये लिखा, नंबर फाइंड करने हैं। और टू यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट है, हमारे पास टू डिजिट का कोई नंबर है, उनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो 18 आता है, ठीक है, और आगे बाद में हम बताएंगे, ठीक है। आइए करना शुरू करते हैं। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर मैं इसको करना शुरू कर देता हूँ, इधर ये देखिए सॉल्यूशन 30। तो लेट कर लेते हैं बच्चों, लेट द यूनिट डिजिट इक्वल टू एक्स, टेंथ डिजिट इक्वल टू, तो देखिए प्रोडक्ट था, तो प्रोडक्ट को, जो प्रोडक्ट है उसको फर्स्ट ना यूनिट डिजिट से डिवाइड कर दीजिए तो 10 डिजिट आ जाता है, ठीक है बच्चों। आइए नंबर फाइंड कर लेते हैं। नंबर नंबर क्या होगा, जो हमारा 10 डिजिट है 18 बाई एक्स, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देना है और फिर यूनिट डिजिट में ऐड कर देना है तो हमारा नंबर बन जाता है, ठीक है बच्चों। कैसे बनता है मैं आपको इधर बताता हूँ। देखिए जैसे मान लीजिए ये हमारा 36 है, देखिए ये हो गया 1, ये हो गया 10, तो हम 10 को क्या करते हैं, 10 से मल्टीप्लाई करते हैं 10 डिजिट को और उसको यूनिट डिजिट में ऐड कर देते हैं। तो 10 थ्री जा क्या होता है 30 प्लस 6, तो क्या हो गया 36। इस तरीके से तो सेम हमने वही इसमें किया है, तो 10 जो 10th डिजिट है उसको 10 से मल्टीप्लाई करके यूनिट डिजिट में ऐड कर दिया है। तो आइए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 180 आ जाएगा इधर मल्टीप्लाई करने पर और प्लस एक्स, ये हमारी इक्वेशन बन गई फर्स्ट, ठीक है। आइए बाय इंटरचेंजिंग कर लेते हैं, बाय इसमें लिखा है कि इंटरचेंजिंग करने पर, ठीक है बच्चों, ये आप देख सकते हैं, देखिए लिखा है व्हेन 63 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर द डिजिट इंटरचेंज देयर प्लेसेज, ठीक है। जो तो हम पहले क्या करेंगे, 63 बाद में माइनस करेंगे, पहले इंटरचेंज कर लेते हैं, तो यूनिट डिजिट हम लिख लेते हैं, यूनिट डिजिट पहले तो हमने एक्स लिया था, अब की बार हम ले लेते हैं 18 बाई एक्स और टेंथ डिजिट ये हो गया एक्स, ठीक है। नंबर बना लेते हैं, नंबर नंबर क्या होगा बच्चों, वही 10 डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करना है और यूनिट डिजिट में ऐड कर देना है 18 बाई एक्स में, ठीक है बच्चों। इस तरीके से मैं यहां पर इसको आगे कर लेता हूं, तो आ जाएगा 10 एक्स प्लस 18 बाई एक्स, ठीक है बच्चों, ये आ गया। आइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर लेते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए इसमें लिखा कि यदि इस नंबर में से, ठीक है हम नंबर लिख लेते हैं 180 बाई एक्स प्लस एक्स, ठीक है, इसमें से 63 को माइनस कर दिया, ये मैंने माइनस कर दिया, इसके नीचे 1 मान लेते हैं, तो इसके जो डिजिट है वो इंटरचेंज हो जाते हैं, यानी इसका जो रिजल्ट आएगा वो इंटरचेंज होके आएगा डिजिट का, तो 10 एक्स प्लस 18 बाई एक्स ये, ठीक है बच्चों। आइए अब देखिए ये वाला जो टर्म है ना, हम लेफ्ट साइड में ले आएंगे, 180 एक्स प्लस एक्स, इसके नीचे 1 मान लीजिए, इधर ये आकर माइनस का हो जाएगा और मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूँ इसको, 10 एक्स प्लस 18 बाई एक्स और इस 63 को इधर ले आए आप तो प्लस 63 हो जाता है, ठीक है बच्चों। इस तरीके से एक्स और 1 का एलसीएम अब आपको लेना है, तो एक्स और 1 का एलसीएम लेंगे तो एक्स, अब क्या करना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए एक्स को एक्स के साथ, 1 को
180 के साथ, तो x को x के साथ कर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 180 आ गया, माइनस अभी ब्रैकेट में रखते हैं, इधर भी 1 मान के हम एलसीएम ले लेंगे x और 1 का, x आ जाएगा और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करना, तो टेन एक्स स्क्वायर और प्लस 1 को 18 के साथ करते तो 18 और इज इक्वल टू 63। ठीक है बच्चों, अब मैं ब्रैकेट खोल देता हूं यहां पर, एक्स स्क्वायर प्लस 180 इधर एक्स आ गया और ये माइनस, अब देखिए ब्रैकेट के अंदर ये प्लस का है तो ब्रैकेट खुलने के बाद ये माइनस का बन गया, तो ये भी माइनस का हो जाएगा, यानी ब्रैकेट के जितने भी साइन है वो चेंज हो जाते हैं अगर फर्स्ट नंबर का साइन चेंज होता है तो, इज इक्वल टू 63। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है, ये एक्स को हमें हटाना है यहाँ से, रिमूव करना है, तो क्या करेंगे, इस एक्स को इससे दोनों एक्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखो दोनों का डिनोमेटर सेम है, इनमें से एक डिनोमेटर लेंगे और एक्स से सॉरी 63 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आइए मैं दिखाता हूँ करके, पहले हम देखो इसको इस तरीके से लिख लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए ये मैं एक बार लिख लेता हूँ यूं कहूँ, तो पहले बड़ी पावर को लिख लेते हैं, माइनस 10 एक्स स्क्वायर और प्लस 180 और माइनस 18 इक्वल टू 63। ठीक है बच्चों, इस तरीके से, अब देखिए 1x बच गया ना, जब भी देखिए कोई भी रैशनल नंबर होते हैं या फ्रैक्शन होते हैं अगर उसके डिनोमीटर सेम है तो डिनोमीटर को कभी भी साइन के अकॉर्डिंग नहीं करना है, यहाँ पर माइनस है तो माइनस नहीं करना है ना प्लस करना होता है, उनमें से सेम डिनोमीटर में से एक डिनोमीटर लेना है और न्यूमीटर को साइन के अकॉर्डिंग सोल्व कर देना है। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पर माइनस प्लस माइनस सेम पावर है तो माइनस 9 एक्स स्क्वायर आ गया। ठीक है, इधर इसको माइनस कर देते हैं तो बड़े नंबर के सामने प्लस का है तो प्लस का आ जाएगा, तो 180 में से 18 माइनस करेंगे तो 162 और इज इक्वल और एक्स को 63 से मल्टीप्लाई कर दे तो 63x आ जाएगा। ठीक है बच्चों, आइए इसको मैं इधर बढ़ा लेता हूँ, देखिए अब साथ साथ हम क्या करेंगे, मैं इसका साइन चेंज कर देता हूँ पहले, तो ये यहाँ पर माइनस का तो मैं प्लस का बना देता हूँ इसको, और ये इसको मैं इधर ले आता हूँ। ठीक है, इधर ले आता हूँ, ये इधर क्या किस चीज़ का हो जाएगा, अभी साइन चेंज नहीं करते, पहले मैं इसको इधर ले आता हूँ, इधर ही करके दिखाता हूँ मैं, 9x स्क्वायर प्लस 162 और इधर 63x प्लस का इधर आकर ये माइनस का हो गया इज इक्वल टू 0 इस तरीके से। अब साइन इसके चेंज कर लेते हैं, तो ये 9x स्क्वायर ये ठीक है, ये माइनस का तो ये प्लस का हो जाएगा प्लस 63x और 162 प्लस का तो ये माइनस का हो जाएगा इस तरीके से इज इक्वल टू 0। ठीक है, आइए ये 9 से डिवाइड कर लेते हैं इसको, देखिए 9 से डिवाइड हो रहे हैं तीनों, तो एक्स स्क्वायर और 97 जा 63x और माइनस ये 162 है, 9 से इसको अगर डिवाइड करें तो 91 जा 9 और 98 जा 72। ठीक है, ये आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर हमारी इक्वेशन तैयार हो गई है, अब आपको क्या करना है कि ए और सी को मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 18 एक्स स्क्वायर आ जाएगा और जिसको मल्टीप्लाई किया उनमें से एक संख्या प्लस की और एक माइनस की है, तो आपको माइनस प्लस माइनस। ठीक है, तो ऐसे टू नंबर फाइंड आउट करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 18 माइनस का और उनको माइनस करें तो 7। जी हाँ, वो नंबर होंगे, देखिए यहाँ पर बीच में जो साइन है मिडल में वो प्लस का है तो बड़े नंबर पर हम प्लस का रखेंगे, तो वो होते 9 और 2, 9 2 जो 18 और 9 में से 2 माइनस करें तो 7 आ जाता है, तो 9x और माइनस 7x सॉरी 2x इस तरीके से। ठीक है बच्चों, ये रख लेते हैं, आइए एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 2x माइनस 18 इज इक्वल टू 0 और यहाँ पर हमने पेयर बनाकर कॉमन नंबर निकाल लेते हैं, तो x आ गया और x प्लस 9 और माइनस का साइन, इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा और यहाँ पर x और माइनस माइनस प्लस 2 9 जा 18। ठीक है बच्चों, इस तरीके से अब दोनों ब्रैकेट में सेम नंबर आ गए हैं, तो अब आपको करना क्या है, देखिए ज़्यादा कुछ नहीं है, अब एक तो जो ब्रैकेट से बाहर उसको ले लेते हैं और एक ब्रैकेट वाले नंबर को ले लेते हैं और 0 के इक्वल रख देते हैं। ठीक है बच्चों, अब x की वैल्यू अगर हम निकालें तो देखिए यहाँ पर x ये माइनस 2 है, इधर आकर ये प्लस 2 हो जाएगा और ये माइनस 9 है इधर सॉरी प्लस 9 है, इधर आकर ये माइनस 9 हो जाएगा, तो माइनस का तो डिजिट हो नहीं सकता, इसलिए डिजिट कौन सा आ गया, 2 ये आ गया, तो यूनिट डिजिट हमारा कौन सा होगा, आइए मैं इधर लिख देता हूँ, तो यूनिट डिजिट हो गया हमारा बच्चों, यूनिट डिजिट तो हो गया 2। टेंथ डिजिट क्या था वो भी लिख लेते हैं, टेंथ डिजिट था हमारा बच्चों
18 बाई एक्स, ठीक है, ये था। अब 18 बाई एक्स की जगह एक्स की वैल्यू की, यानी 2, 2 9 जा 18। तो देखिए नंबर कौन सा बन गया अब हमारा नंबर, तो इधर तो आता यूनिट और इधर आता है टेंस, तो 1 टेंस, ठीक है। तो 92 हमारा ये आंसर आ गया। तो बच्चों ये था एक छोटा सा क्वेश्चन, आपको कैसे लगा मुझे कमेंट्स में जरूर लिखें, और इसमें से सीखकर आप दूसरे बच्चों को जरूर सिखाएं, चलो कदम बढ़ाएं, देश को शिक्षित बनाएं। मिलते अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।